असलमकूम व्यूअर्स कैसे आप सब उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे खुश पाश होंगे तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश पाश रखें हँसता और मुस्कुराता रखें आज से मेरा व्लॉग फिर से स्टार्ट हो गया है जी आलू गोश्त आ रही हो शोरबे वाला सर्दी बहुत ज़्यादा है धुंध बहुत ज़्यादा है शोरबे वाली गर्मा गर्म कोई भी चीज़ हो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है तो लिहाजा आज कल जो जिस तरह की सर्दी है जिस तरह की धुंध है दिसंबर है ज़ाहिर है दिसंबर एंड जो होता है वो अपना दिसंबर रंग ज़रूर दिखाता है इंतहा की सर्दी है तो बच्चों को हड्डों के शरबा हड्डों का सालन हड्डों की यखनी बना के पिलाया करें और उसका सालन बना के खिलाया करें नान के साथ फमीरी रोट के साथ बहुत मजे का लगता है आलू गोश्त चोरबे वाला आज मैंने इसी सिलसिले में बनाया था क्योंकि फ्रिज में चिकन कुछ भी नहीं था बच्चे चिकन का आलू गोश्त ना पसंद करते हैं तो खैर एनीवे anyway, मजबूरी में दो कुछ ना कुछ खाया ही जा खाना था ना हम लोगों ने तो अभी जो है ये आलू कुछ मैंने बना लिया और इसका जो है ना थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह इसके लिए धो धा के अच्छे से ना मैं इसमें डालने के लिए बना रही थी क्योंकि अभी मैंने बाज़ार जाना है बच्ची के साथ क्योंकि उसके दो दिन से ना हल्की हल्की पेन थी पेट में मोशन भी आ रहे थे तो मैंने कहा डॉक्टर के पास जाती हूँ कल हम लोग निकले थे उसको डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए इसको ये जो पानी पी रही है इसे गर्मी जीवन लगी हुई है असल में पता है क्या सर्दी में प्यास भी बहुत लगती है तो मैंने कहा पानी पी लो फिर चलती हूँ मैं तुम्हें लेकर तो ये आज जो है ना हमारे घर में इतना फैलावा मैं आपको बता नहीं सकती इतना फैलावा है कि इस फैलावे को समेटना जो है ना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि शिफ्टिंग करिए एक एक चीज़ जो है ना वो कैबिनेट अलमारियों से बाहर निकाल के रखी हुई है कि डब्बों में पैक करेंगे अब मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के साथ साथ रहिएगा क्योंकि हम लोग जब बाजार से वापस आए थे ना तो हमें बहुत भूख लग रही थी तो दोपहर तो में जो मैंने वीडियो तो बनाई नहीं बाहर की तो रात को शाम को हम निकलेंगे तब मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी किस रास्ते से हम कितनी वॉक करते थे सारा आपको बताऊंगी तो वीडियो के एंड तक रहिएगा इन शी आपको बड़ा मज़ा आने वाला है कहाँ से हम फास्ट फूड ज़्यादा खाया हमने दो साल हम इस एरिया में रहे हैं। तो दो साल हमने किस शॉप से बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाया वो सब कुछ आपसे शेयर किया जाएगा अभी तो दोपहर का लंच कर रहे हैं भूख बहुत ज़्यादा लग रही है बेटी को दे रही हूँ मैं तो रोटी खाऊँगी इसके साथ मुझे रोटी बहुत मज़े की लगती है तो जी जैसे ही हम लोग जो है लंच से फारिग हुए तो मैं यहाँ पर जो वापसी पे दोपहर में गई थी ना सौदा लेने बेटी के साथ तो गोश्त लेकर आई थी कीमा लेकर आई थी उसको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूं ताकि ये पैकेट बना के जो है ना फ्रिज में रख लूंगी तो मैंने यहाँ पे जो है ना अच्छे से गोश्त को वॉश कर लिया है और आ, मैं हमेशा सर्दियों में हड्डी के साथ जो है ना वो गोश्त लेकर आती हूँ क्योंकि जो हड्डी की यखनी और हड्डी का जो अर्क शोरबे में आता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है तो यहाँ पर फिर मैंने जब दोपहर का लंच कर लिया तो गोश्त भी धो लिया उसके बाद साथ साथ मैंने कहा चलो लंच के जो बर्तन हैं और थोड़े बहुत जो मैंने खाना वाना बनाया था उसके बर्तन है मैंने कहा चलो वो भी साथ धो लूँ क्योंकि फिर बाद में जो है ना दूसरे काम आसानी से निपटा लिए जाते हैं पैकिंग वैकिंग के और आपसे अभी शेयर भी करूँगी कि हमारे जो है टीवी लॉन्च में कितना फैलावा पड़ा हुआ है ये देखें जी यहाँ पे पैकिंग है, हमारी जो है वो रेडी है आ, उसका जो सिलसिला है वो जारी है बच्ची जो थी उसकी संडे को छुट्टी थी तो उसने भी अपनी काफ़ी चीज़ें पैक कर ली थी और कुछ मेरा अभी फैलावा पड़ा हुआ है मैंने पैक करना है मैं तो जो से कहते हैं ना चुटकियों में पैक करती हूँ और यहाँ पे अभी बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये देखें जी मेरा बहुत पुराना वैक्यूम क्लीनर है काफ़ी पुराना है और मुझसे टूट भी गया था चलता है ये काम भी करता है बहुत फर्स्ट क्लास काम करता है बस टेपे शेपे लगा के ना पटियाँ शटियाँ इसकी बैंडेज होती है ना तो फिर ये सही काम कर लेता है खैर मशीनरी परफेक्ट की तो अब यह है रात का टाइम था हम कल इसी टाइम ऐसे ही बाहर निकले थे छः बजे के टाइम इनतहाँ की धुंध थी तो यहीं से उल्टे पाओ अपने अंदर वापस चले गए थे लेकिन आज जो है ना वो धुंध इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन ठंड है काफ़ी तो खूब कवर होकर हम लोग निकले हैं और मैं दोनों साइडों से आपको दिखा रही हूँ कि आज इतनी धुंध नहीं कल काफ़ी धुंध थी और मैं वीडियो भी नहीं बना सकी थी कल की धुंध की तो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी गली में से निकल रहे हैं क्योंकि अब जो है ना मैं आपको दिखाऊँगी कि हम uh कौन सी जो रोड है जिसपे हमने पूरे दो तीन मंथ अपना वॉक किया है और यहाँ से हमारी जैसी गली एंड होती है तो सामने ही जंगल स्टार्ट हो जाता है घना जंगल जो कि हरे हरे दरख्तों से भर भरा हुआ घना जंगल है असल में ये जंगल नहीं है बहुत बड़ा जो है ना ये प्लॉट है खाली है जिसमें इतनी ज़्यादा जो बाढ़ होती है घास होती है और जो बड़े बड़े जंगली पौधे होते हैं वो इत जंग अच्छी हाइट के थे वो निकले हुए थे खैर यानी वे वो हम रस्ता क्रॉस किया तो मुफली जो कि हमारी वॉक के रास्ते में आती थी गर्मियों में तो खैर ये नहीं होती यहाँ पे कुछ और इन्होंने लगाया था तो ये वॉक के रास्ते में ठेला एक हमारा आता था जिसका मुझे अब याद नहीं आया इन्होंने गर्मियों में क्या लगाया था खैर एनीवे हमने इनसे गर्मियों में कुछ नहीं खरीदा तो अभी मूंगफली लगाई हुई है तो अब ये हमने मूंगफली लेनी है और थोड़ी ही ली है क्योंकि हम जैसे जैसे चलते जाएंगे वॉक करते जाएंगे खाते जाएंगे तो वैसे भी ज़्यादा इसलिए नहीं ली कि हाँ सिल जानी थी और वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा है वापसी पर लेके जाएंगे बाकी की मूँगफली घर में गर्म गर्म खाएँगे और अभी जो ये रोड खा रही ना ये रोड क्रॉस करेंगे क्रॉस करने के बाद वो सामने जो आपको नजर आ रहा है वो क्या है फ्राइड चिक्स है हाँ यहाँ से हमने जो आगे चलते जाते हैं अभी हम आपसे वीडियो शेयर करते हैं ये हमारा स्टोर जहाँ से हम ग्रॉसरी अक्सर किया करते थे बहुत आ, कम कम कीमत से ज़्यादा तो मैं किसी और शॉप से करती हूँ लेकिन यहाँ से भी बहुत ज़्यादा हम ले लेते हैं अच्छा फिर अभी हमने रोड जो है क्रॉस नहीं की है, है ये देखें जी अब रोड क्रॉस करने के बाद इस साइड पर आए तो ये फ्राई चिक्स है जहाँ से हमने बहुत ज़्यादा बच्चियों ने फास्ट फूड खाया है बहुत ज़्यादा और ये रोड है और ये फुटपाथ आपको नज़र आ रही है ये हमारी वॉक वॉकिंग रोड जो है हमारी ये है जहाँ से हम वॉक करते थे तो ठीक है ये पूरा जहाँ पे इसका एंड होता है ना वहाँ तक आप अब खुद ही देख ले इसका एंड कहाँ होता होगा तो वहाँ तक तो हम इस वॉक करते थे ये हमारा आगे जी फ्राइड चिप्स जहाँ से हम बैठ के भी खाते थे और हम ऑर्डर भी करवाते थे ये भी फास्ट फूड है जहाँ से हमने अक्सर चीज़ें ली खैर हमारी जैसी वॉक कम्प्लीट हुई बच्चियों ने मुझे काफ़ी जो है न बोला कि आप मोबाइल अपना ना चोरी करवा के ही आपको सुकून मिलेगा तो मैंने मोबाइल फिर अंदर रख ली था पूरी वॉक करने के बाद और जो एक दो काम थे निपटाने के बाद हम आ गए फ्राइचिक्स चिक्स और यहां से ये अपना ऑर्डर हैं ऑर्डर में इन्होंने मेरे ख्याल में एक पैटी बर्गर किया था और इन्होंने लिया था नगेट्स लिए थे ठीक है यहाँ पे मैं बैठ गई मैं इस ये मास्क जो है ना ये पहन के निकली थी ये बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है इस मतलब सर्दियों में जैसे कि कोरोना में तो बहुत ही फ़ायदेमंद था ना इसी तरह ये ठंड में ठंड से बचाता है आपके अंदर ठंड नहीं जाने देता आपके सीने पर आपके फेफड़ों को ठंड से बचाता है मैंने भी ये कवर किया हुआ था पूरे नेक तक इसे कवर किया हुआ था सेम करोना में जिस तरह पहनते ना उससे भी ज़्यादा टाइट करके मैंने ये पहना हुआ था खैर मैं ठंड से बच गई इस मुझे मिलती रही और कवर भी मैंने अपने आप को फुल किया हुआ था मेरा पर्स तुम्हारी में गया बच्ची खैर कोई बात नहीं अब हम हम घर जाने लगे हैं मेरी वीडियो आज की आप लोगों को पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा कमेंट्स कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को इसके बाद मुझे बच्चियां फिर बोलने लगे आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा अपना मोबाइल बैग में रख लीजिए खतरनाक लोगों से होशियार रहिए अल्लाह हाफिज़ ऐसे ही होगा कुछ मुझे यहाँ पे बोल रही थी कि बैग में रखें मोबाइल चोरी हो जाएगा अच्छा